अभी भी मंदिर जाया करो कभी भी। देखो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अब जा रहा हूँ मंदिर पूजा पाठ करने के लिए। देखो आप भी जाया करो, अगर सुबह सुबह मंदिर जाओगे ना तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, बढ़िया बढ़िया। और पूजा पाठ घर पे भी किया करो, क्या थोड़ा मन की शांति के लिए जरूरी होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है सेप्टेम्बर एंड मेरे 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 216 देख रहे हो आप। और अभी ऑफिस जाने के लिए अपन ने पास टाइम है, अपन सही टाइम पे उठ गए हैं और आराम से पहुंच जाएंगे। कल रात को मेरे को सोते सोते वही 3:30-4 बज गए थे हमेशा की तरह, और मैं सुबह उठ गया हूँ आज 8:50 के अलार्म पे। एंड नहा धो के अपन फ्रेश हो चुके हैं, रेडी भी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। अभी मेरे को रिटर्न आते आते प्रेस वाले भैया से अपने कपड़े लेके आने हैं, क्योंकि मेरे को ऑफिस जाने के लिए फॉर्मल्स पहनने पड़ते हैं। क्या है, फ्राइडे सैटरडे अपन थोड़ा कैजुअल्स मार लेते हैं जब कपड़े वगैरह प्रेस में रहते हैं, बाकी दिन अपने को थोड़ा फॉर्मल में जाना चाहिए, थोड़ा क्लाइंट पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है। तो चलते हैं मंदिर। आज तो मंदिर में मस्त रुद्राभिषेक हो रहा था, मजा आ गया दर्शन करके। तो मंदिर में दर्शन करके मैं घर वापस आ चुका हूँ, जल्दी जल्दी अपना व्रत वाला खाना खाते हैं और फिर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हर व्रत में भाई साबूदाने की खिचड़ी खा खा के मैं पागल हो चुका हूँ, मेरे को ना अब व्रत रखने का मन खत्म हो गया है साबूदाने की खिचड़ी देख देख के। बाबा जी की बोटी ला 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 ला। तो मैं हो गया रेडी, खाना पीना हो गया, देखो केले खाए, उसके बाद साबूदाने की खिचड़ी खाई, फिर दही खाई, अब रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जा रहा हूँ। मिलते हैं शाम को 5:30-6 बजे के बाद। यहाँ तक वीडियो देखिए तो जानते ही हो, लाइक कर लो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, और ये कमेंट करके बताओ व्रत वगैरह रखते हो कभी नहीं रखते। मैं शाम को मिलता हूँ। लोग कर लो बात, पूरे सावन हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई और अभी बारिश हो रही है, क्या बोलोगे इस बात को। उसी चक्कर में मेरे को 1 घंटा लेट हो गया ऑफिस से घर आने में, और वो 1 घंटा मैं यूज़ कर सकता था अपना ब्लॉग एडिट करने के लिए, जो कि मेरे हाथ से निकल गया बारिश के चक्कर में। और आज मेरा फास्ट भी है तो मेरे को भूख लगी है जोरों की, देखते हैं फास्ट में भी क्या है खाने के वास्ते। मासी बोली थी कि शायद गोबर दीदी वो साबुदाने की टिक्की वगैरह कुछ बनाएगी, अब देखते हैं क्या है बना हुआ। कुछ नहीं होगा तो दूध दही कुछ भी पी लेंगे खा लेंगे, क्योंकि भूख तो लग रही था। सुबह की बची हुई साबुदाने की खिचड़ी, क्योंकि ज़्यादा बन गई थी, पूरा कप्पा मेनिया भर के दूध ढेर सारा, और साथ में अपना मूँगफली मखाना, और ये सारा का सारा आइटम मैंने निपटा डाला विद इन 1/2 आवर। तब लोग मुझे दल में तेला तोलते तले दे। मैं तोतला कितना अच्छा बोलता हूँ, मतलब मैं तोतला के कितना अच्छा बोलता हूँ। तो सब लोग मुझे घर में अकेला छोड़ के चले गए, मेरा खाना पीना हो गया और अब मैं जा रहा हूँ लंबा लेट होके सोने। तो एक्चुअली क्या है कि दूसरे वाले घर के बाजू वाले जो घर है हमारे, वहाँ एक जन अंकल है जो बीमार है, तो उनको ऐसे मिलने के लिए गए। तो गूगल दीदी और मासी गए, मैं अभी पूरे घर में अकेला हूँ, MLA माखनलाल अकेला, अपने ब्लॉग्स में भी और अभी घर में भी। तो मैं डाला हूँ तोने, मिलते तुली दिल के बाद। तो अपना व्रत वाला खाना पीना खा के मैं आया था ऊपर लगभग 6:30 बजे, और अभी 10 बजने वाले हैं। तो मैंने लगभग 1.5 घंटे की नींद मारी, थोड़ा देर अपन ने ब्लॉग एडिट किया, थोड़ा देर अपन ने इंस्टाग्राम पे सारे जो भी कमेंट थे उनके रिप्लाई किए, और ये सारा काम निपटा के अभी हो गया डिनर का टाइम। चलते हैं देखते हैं डिनर में क्या है, जो भी है व्रत वाला वैरायटी रहेगा, क्योंकि आज अपना फास्ट होती। तुम क्या खाती फास्ट में कमेंट करके बताती, हम तुमको अभी दिखाती कि हम क्या खाती। आलू मूंगफली, आलू आलू हो रखा है जिंदगी में, आलू पे ही जिंदगी चल रही है। आलू खा खा के एक दिन भालू जैसा दिखूंगा तो कुछ बोलना मत मेरे को। और देखो मस्त खीर बनी है, मेरे को लगता है ये साबूदाने की खीर है, लेकिन मैं गलत निकला, मैं अभी बताता हूँ ये कौन सी खीर है, 2 मिनट ब्लॉग में बने रहे। तो व्रत वाला डिनर हो गया मस्त, बना था आलू मूंगफली और उसके साथ था अपना खीर। खीर जो थी वो मखाने की खीर थी, साबूदाने की खीर नहीं थी, और मासी ने मस्त केसर डाल के बनाया था, मीठा भी एकदम बैलेंस्ड बढ़िया। तो डिनर तो हो गया, पेट भी भर गया और अब आएगी नींद। वैसे मुझे अभी ब्लॉग अपलोड करके शेड्यूल करके फिर सोना है, तो लगभग 1/2 घंटा और लगेगा या 1.5 घंटे भी लग सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस ब्लॉग। कल के मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 216 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।